नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। ये सब क्या है? बिल्कुल चुप खड़े रहिएगा, एक शब्द ही मत बोलिएगा। ठीक हुआ? इसका व्हीलचेयर भी गिर गया। पापा, आज मैं व्हीलचेयर में नहीं बैठूंगा। आज 15 अगस्त है और मैं आपको खड़े होकर सैल्यूट करना चाहूंगा। और बेटा, अरे तिलक मत लगाओ, आज परेड है। अच्छा, आरती तो कर सकती हूँ। थोड़ा भाईजान, आज आपको आरती करके मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे मैंने उन सभी शहीद भाइयों को जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान दी, उन सबको याद किया। आई प्राउड ऑफ यू। हर हिंदुस्तानी उन शहीदों को यहाँ पे रखे। बुआ, अरे वाह मेरे छोटे नवाब। पापा, मैं भी अपने तिरंगे के लिए शहीद होना चाहता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कौन है तुम? लोग हमें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हम आजादी के वो फरिश्ते हैं जो अपनी कौम के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। कौन है भैया? कोई भटक के अपने घर आ गया। भाईजान, ये कौन है? पर आपको गनपॉइंट भी क्यों रखा है? भगाइए से। तुमको देख क्या खौफ ही लगता, बल्कि हंसी आती। चुप करा, कसम थोड़ी देर में जिला से ही नजर आएगी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरा भाई गन पॉइंट पे है, तो मैं अंदर से ही जाऊंगी। और इसको भी एहसास होने दीजिए, एक हिंदुस्तानी बहन क्या कर सकती है। ए, हाथ ना। तूने अपने इस नापाक हाथ से तिरंगे को छूने की हिम्मत कैसे की? ये तिरंगा हमारी आन बान है, हमारी शान है और हमारी जान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तिरंगे को छूने की? गोली मत चलाना। तू अंदर जा। भाईजान, आप इस अदना से आदमी डर रहे हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। इंसानियत के नाम पे एक दाग है, दाग। मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तुझको बचाना चाह रहा हूँ। पापा, ये अंकल कौन है? ये इंसान रास्ता भटक गया, भटका हुआ लगता। मैं वो खूंखार आदमी सर की तेरे हिंदुस्तान के अकाउंट में 10 करोड़ रखे। तो इसमें तुम्हें खुश होने की क्या बात है? तुझे दुख होना चाहिए, तू अपने ही घर में आग लगाकर खुद हंस रहा।
आज मुझे वो आ रहा है जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। क्या दिया क्या पटाखे और फुलझड़ियां थे बस थोड़ा इंतजार। तुम कितने वहशी रविंद्र हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मासूमों की जान लेते हुए? चिल्लाना नहीं, अभी कुछ नहीं। मेरे पीछे पुलिस लगी है, मैंने आज के लिए तुम्हारे लाल किले में बॉम्ब लगा दिया। अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे लाखों लोग मर जाएंगे, फिर मैं आराम से जन्नत चला जाऊंगा। तू जन्नत की बात करता है तू? अरे तुझे तो जख्मों भी नसीब नहीं होगा। एक तो मेरी कौन? और ये? नहीं, मैं तुम्हारे कौम की नहीं हूं। और वैसे भी आतंकवादी का कोई कौम नहीं होता। है? भाषण नहीं। तू एक मुस्लिम और ये हिंदू। तू इसके क्या करेगी? मैं और तुम जैसे इंसान इस रिश्ते को क्या समझे? तुमसे समझना भी नहीं। तू बता, एक मुसलमान होकर एक हिंदू के घर में क्या तेरे कौम वाले मर गए? तुम जैसे गद्दारों की वजह से आज हमारा कौम मर रहा। गद्दार? छुप कर बात करते हो तुम, पेट में खंजर भोंकते हो तुम। और रही बात मेरे यहाँ रहने की, तो सुन कौन की भाई देता है ना? बुशरा, कुछ नहीं बोलोगे? भाईजान आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये अपने परिवार से गद्दारी कर रहा है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, देशद्रोही है ये। तू एक भी लफ्ज बोली ना, जिंदा कुछ नहीं। ए, इधर गोली मार, इधर चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आई। और अगर आ गई ना तो समझ लेना सच्चे मुसलमान की बेटी। चला गोली, चला चला गोली, चला गोली, मैं कहता हूँ चला गोली। सोने अंकल मुझे भी गोली मार दीजिए, आज 15 अगस्त है, मेरा भी शहीदों में नाम आ जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंकल तुम्हें शर्म नहीं आती एक मुसलमान होते हुए भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हो? तुमको सच्चे मुसलमान कहते हो? आजादी के दीवाने अशफाक उल्ला खान, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते समय वंदे मातरम और भारत माता की जय बोला था। कैप्टन अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए, याद है वो? उनकी जब जान गई तो उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था। और AR रहमान, इतने बड़े संगीतकार होकर भी उन्हें वंदे मातरम गाया, क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं? बेटा याद है ना मैंने क्या कहा था तुझे? बेटा तू बड़ा होकर के आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर बन, मैं तुझे सलाम करूंगा। किस काम की बात कर रहे हैं आप? वही ना जो अपनी बेटियों की तकलीफ में नहीं आता। मुझे पता, मेरे पति को आप लोगों ने बम से उड़ाया, मेरी साथ और मेरे ससुर आज कोमा में पड़े, इनकी बीवी आखिरी सांसें गिन रही है। कौन लगते हैं मेरे ये? ना इनसे मेरा खून का रिश्ता है ना मजहब का, फिर भी इन्होंने मुझे सहारा दिया। जब मैंने अपने लोगों से मदद मांगी तो उनमें मुझे सिर्फ लालच दिखा। कौन है ये मेरे, सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे, वो भी दोस्ती का? अगर भगवान ने मुझे बेटा या बेटी दी तो मैं चाहूंगी कि वो देश की सेवा करे मेरे पति की तरह। क्या हुआ? कुछ नहीं। यीशु? पापा आज रेहाना और उसकी अम्मी आने वाले हैं। रेहाना? कौन है? वही जो कश्मीर में रहती है। कुछ वक्त पहले हमारा ऋषि उन्हीं के यहाँ पे गया था, उनकी बेटी की जान बचाते बचाते खुद की पाँव गवा बैठा। कोई बात नहीं हुआ, रेहाना तो बच गई। एक मिनट, फिर वो कुप्पड़ा? हाँ अंकल, आप कैसे जानते हैं? यार मैंने क्या किया,
कचरे से बचाओ और मासूमों को। रियाना मेरी बेटी है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम लोगों से, मेरी बीवी और बच्चों को बचा लो। वाह, आज खुद की बीवी और बच्चे तेरे बॉम्ब से मरने वाले हैं। तू आज रो रहा, जरा उनके बारे में सोच। जब तू वो बॉम्ब लगाता है ना, तो वो ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते, ना जाने कितने बेगुनाह और मासूम लोग मारे जाते हैं। या अल्लाह भाई जान, मुझे अस्पताल ले चलिए। नहीं, मैं इसे अस्पताल ले जाता, तुम जाकर उन मासूमों को बचाओ। Vande Mataram, Vande Mataram, Vande